जय श्री कृष्णा। मानपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे और गुड़ के लड्डू, जो कि गणेश जी को भूख लगते हैं और उनको सबसे प्रिय होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम आटा, जिसे हम सेक लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इससे आटा इस तरीके से सेकने से लड्डू का जो टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम कंटिन्यू इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। लगभग इसे सेकने में हमें तीन मिनट लग जाएंगे। तो अब हमारा जो आटा है वो हल्का भी हो चुका है, लगभग 3 मिनट हो चुके हैं हमें। तो अब मैं इसके अंदर घी डालूंगी। देसी घी है, घर का बना हुआ घी है, जो कि 4 टेबलस्पून है वो हम इसमें डाल देंगे। जब भी मैं भगवान का कुछ भी काम करती हूँ, उनके लिए कोई भी मिठाई बनाती हूँ, तो मैं घर का ही घी यूज़ में देती हूँ, क्योंकि बहुत हाइजीनिक होता है और अच्छा भी होता है। और ये घी डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसे भी हम चलाते रहेंगे और इसे दबा दबा कर हमें सेकना है इस तरीके से, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। ये लड्डू बनाने में हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसको कंटिन्यूस तरीके से चलाते रहेंगे। कप से मेज़र करेंगे तो 1.5 कप आटा है, अदरवाइज ये 250 ग्राम आटा है। और इसको ये जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाएंगे और ये खाने में बहुत हेल्दी होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया, 2 फाड़ कर लिए इसके, वो भी इसमें डाल देंगे, रोस्ट कर लेंगे। और ये 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, ये भी इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सौंफ डालने से लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इनको हम 2 मिनट के लिए इसके साथ में भून लेंगे, ताकि अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। तो ये जो हमारा आटा है वो अच्छे से सिक चुका है, तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 1 कप ये गुड़ डाल देंगे। अगर हम गुड़, ये मैंने कूटा हुआ गुड़ लिया है, अगर आप नॉर्मल गुड़ की डली लेना चाहें तो आप 2 गुड़ और थोड़ा सा ऊपर गुड़ डालें, और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मैंने तोड़ के लिया है गुड़, आप कैसे भी ले सकते हैं, इससे जल्दी मेल्ट होता है, इसलिए मैं इसको तोड़ लेती हूँ गुड़ को। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ मेल्ट होने तक ही हमें इसको पकाना है। तो अब हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब मैं इसके अंदर चाशनी मिला दूँगी आटे के अंदर, और ये हमने मिक्स कर लिया है। तो अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बांध लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, तो अब आप देख सकते हैं मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब लड्डू बनकर तैयार है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपीज़ के साथ। और आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं मोदक। वैसे मैंने लड्डू बनाए थे, पर आप इस तरीके से मोदक के सांचे पर डाल के इसे मोदक की शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को, आप सभी को पता है, मोदक बहुत पसंद होते हैं। तो इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे मोदक भी बनकर तैयार है, ये देखिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।